टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। नंदोई के प्यार में भाभी इस कदर पागल हो गई कि अपने ही परिवार के 10 लोगों को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दी और नंदोई के साथ फरार हो गई। हालांकि आनन फानन में परिवार के सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर हालात गंभीर देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बरासो थाना क्षेत्र के सीमार गांव का है, जहां जावेद खान की पत्नी रेशमा पर नंदोई चांद बाबू का प्यार का भूत इस कदर हावी हुआ कि उसने रात के समय खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर परिवार के 10 लोगों को खिला दिया। यहां तक कि रेशमा ने अपने बच्चों और पति को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी नशीला पदार्थ खिला दिया। नंदोई चांद बाबू के प्यार में दीवानी हुई रेशमा घर वालों को जहर देकर तड़पता हुआ उन्हें छोड़कर नंदोई चांद बाबू के साथ रेशमा घर से फरार हो गई। जब सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घर का दरवाजा खोला गया। मंजर देखकर सभी सहम गए। हालांकि परिवार के सभी लोगों को इलाज के लिए इन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, मगर उसके बाद इन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहीं रेशमा के पति की शिकायत पर पुलिस ने रेशमा और उसके प्रेमी चांद बाबू पर FIR दर्ज कर ली है और तलाश जारी है। हाँ, उसमें जो है ये मुंशी खां है, इसकी बहू है रेशमा, इसका पहला पति जो है खत्म हो गया था 4 साल पहले, तो दूसरा जो उसका छोटा भाई था उसको शादी कर दी थी। तो ये जो है घटना दिनांक को ये उसने खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला के पूरे परिवार के लोगों को सबको खिला दिया था। और इसका जो प्रेमी था, इसका खास नंदेव जो है लोकन पोसा का रहने वाला है, इसके साथ ही भाग गई, ऐसा परिजनों ने अपने कथनों में बताया। और वो सभी लोग जो पीड़ित थे, यहाँ पहले महगांव हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, उसके बाद ग्वालियर JH में उनका इलाज हुआ, जिसमें से 5 लोग डिस्चार्ज हो गए, 5 का भी इलाज चल रहा है, स्वस्थ हैं, इलाज चल रहा है अभी। बाकी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।